वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, MBBS फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, वायरोलॉजी हमारी सीरीज चल रही थी, ठीक है। उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज को एक बहुत आसान भाषा में हम यहाँ पर समझेंगे। तो गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिना स्किप करे पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं। गाइज यहाँ पर देखना, ये हमारे वायरोन पार्टिकल्स हैं, ये वायरोन्स हैं, मतलब वायरल वायरसेस हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स हो गए, वायरल पार्टिकल्स हो गए। ये क्या है? वायरल पार्टिकल। वायरल पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, जैसे कैप्सिड हो गया, एनवलप हो गया, ठीक है, वायर, ठीक है, वायरल पार्टिकल में हो सकता है। तो वायरस पार्टिकल या फिर जो वायरस हैं, खुद वायरस हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और उन एग्रीगेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। एग्रीगेशन ऑफ, यहां देखो क्या लिखा हुआ, एग्रीगेशन ऑफ वायरियन, वायरल मतलब वायरल पूरा वायरस स्ट्रक्चर, ठीक, और वायरल पार्टिकल्स, जो वायरस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो भी एग्रीगेट हो सकते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, और जो वायरल रेप्लिकेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो भी अगर रेप्लिकेट, वायरल रेप्लिकेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो भी अगर कलेक्ट हो जाएं, ठीक है, एग्रीगेट हो जाएं, तो उन सारी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। अगर वायरस इकट्ठे हो गए तो भी इंक्लूजन बॉडीज, अगर वायरल पार्टिकल्स हैं बहुत सारे वो भी इकट्ठे हो गए तो भी हम इंक्लूजन बॉडीज बोल सकते हैं, या फिर जो वायरल रेप्लिकेशन के अंदर कोई भी जो सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं वो इकट्ठे हो जाए तो हम उनको क्या बोलेंगे? इंक्लूजन बॉडीज बोल सकते हैं। अब भाई ठीक है, एग्रीगेट हो गए, क्या फायदा है इस एग्रीगेशन का, ठीक है। गाइस यहां से एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो एग्रीगेशन बना, ये जो एग्रीगेट हुए, ये जो है एक स्पेसिफिक अल्टर स्टेनिंग प्रॉपर्टी देते हैं होस्ट सेल को, ठीक है। मतलब जब हम इसको स्टेन करेंगे तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, ये क्या है? होस्ट सेल, होस्ट सेल है, ठीक है। इस होस्ट सेल के अंदर ये वायर, ये इकट्ठे हो गए वायरल पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या बन गए? इंक्लूजन बॉडीज बन गई। क्या बन गई? इंक्लूजन बॉडी बन गई, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी बन गई। अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या देती है? स्टेनिंग प्रॉपर्टी देती है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी देती है, ठीक। जब हम इस इंक्लूजन बॉडी को स्टेन करेंगे तब अगर हम इस होस्ट सेल को स्टेन करेंगे, सॉरी, अगर हम इस होस्ट सेल को स्टेन करेंगे तो ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये क्या करेगी? कलर चेंज करेगी, स्टेनिंग प्रॉपर्टी शो करेगी। और अगर स्टेनिंग प्रॉपर्टी शो हुई तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इंक्लूजन बॉडी को हम डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं कौन से वायरस का इन्फेक्शन हुआ, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखना, अब अच्छे से समझ में आएगा आपके, रोल ऑफ इंक्लूजन बॉडी इन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या रोल है इंक्लूजन बॉडीज का। अब देखना, इंक्लूजन बॉडी आर करेक्टरिस्टिक्स, मैंने बताया ना कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वायरस का इन्फेक्शन हुआ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। अब स्पेसिफिक इंक्लूजन बॉडी स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टी शो करती है तो हमें स्पेसिफिक वायरल जो वायरस है उसका नाम पता चल सकता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज हैव डिस्टिंक्ट शेप साइज, मतलब जो इंक्लूजन बॉडी है इनकी साइज शेप डिस्टिंक्ट होती है। मतलब अगर वायरल वायरस ये है, ए वायरस है तो उसकी अलग इंक्लूजन बॉडीज बनेगी, बी वायरस है तो उसकी इंक्लूजन बॉडी अलग बनेगी। तो डिस्टिंक्ट साइज शेप लोकेशन रखते हैं एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, और इन सारे करेक्टरिस्टिक की वजह से ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन वायरस इन्फेक्टेड सेल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से हम इन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में, और पता कर सकते हैं कि क्या कौन सा वायरस प्रेजेंट है। समझ में आ गया? क्लियर है सिस्टम? नेक्स्ट। अब गाइज जो लोकेशन है इंक्लूजन बॉडी, अब देखो इंक्लूजन बॉडीज, एक चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकेंड। अब जो इंक्लूजन बॉडीज जो है मैंने बताई आपको, ये जो एग्रीगेशन हुआ ये आपके साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, जो होस्ट साइटोप्लाज्म है वहां पे भी हो सकता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इंटर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जा सकती हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। इंटर साइटोप्लाज्म में देखिए, ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो दिस वन एरो, ठीक, ये एरो, ये इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, जबकि इंट्रा न्यूक्लियर में देखिए ये एरो न्यूक्लियस से शो कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम आगे चलें, अगर लोकेशन देखें तो अगर होस्ट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जा सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है।
होस्ट सेल जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो सेल क्या होती है, एसिडोफिलिक। जो होस्ट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं वो एसिडोफिलिक होती हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो पाई जाती हैं वो बेसोफिलिक होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो होस्ट सेल साइटोप्लाज्म में जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं वो पिंक कलर शो करेगी जब हम उसको स्टेन करेंगे, जिम्सा और इओसिन मिथिल इन ब्लू स्टेन से जब हम स्टेन करेंगे उन इंक्लूजन बॉडी, मतलब ये मान लो होस्ट सेल साइटोप्लाज्म में यहां पर इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है, अगर हम इसको जिम्सा स्टेन से स्टेन करें, जिम्सा स्टेन या फिर इओसिन मिथिलिन ब्लू से स्टेन करें, तो कैसे दिखेंगी, पिंक कलर की दिखेंगी और हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइटोप्लाज्म वाली इंक्लूजन बॉडीज को। अब न्यूक्लियस की बात करें हम, न्यूक्लियस में बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इस दो टाइप की होती हैं गाइस, काउड्राई टाइप ए एंड काउड्राई टाइप बी। अब काउड्राई टाइप ए जो होती है वेरिएबल साइज, मतलब इनकी साइज से वेरी करती रहती है, एंड ग्रेन्युलर अपीयरेंस होती है। कैसा अपीयरेंस होता है, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स की तरह अपीयरेंस होता है। ठीक है, क्या है, ग्रेन्यूल्स अपीयरेंस, ग्रेन्यूल। जबकि जो काउड्राई टाइप बी है वो सर्कमस्क्राइब्ड होता है एंड अमोर्फस होता है। कैसा होता है, सर्कमस्क्राइब्ड एंड अमोर्फस। क्लियर, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब होता है घिरा हुआ, बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है। सर्कमस्क्राइब मतलब एक लिमिटेड बाउंड्रीज रहती हैं इस पे। ठीक है, वो होता है सर्कमस्क्राइब। तो काउड्राई टाइप भी सर्कमस्क्राइब्ड होंगे। ठीक है, और जो काउड्राई टाइप ए है वो ग्रेनुलर अपीयरेंस होएगा और वेरिएबल इन साइज होता है। क्लियर, ठीक है, तो समझ में आएगा। होस्ट सेल साइटोप्लाज्मिक जो इंक्लूजन बॉडी है उनको बोल सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, और जो न्यूक्लियस में इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है उनको बोल सकते हैं इंट्रा न्यूक्लियर। तो समझ में आ गया, इंट्रासाइटोप्लाज्म में एसिडोफिलिक होता है। मतलब एसिडोफिलिक क्या मतलब, क्या क्या होता है उसका मतलब, जो स्ट्रक्चर एसिडिक डाइक से स्टेन हो उसे हम बोलते हैं एसिडोफिलिक, और जो इंक्लूजन बॉडी बेसिक डाइक से स्टेन हो उन्हें बोलेंगे बेसोफिलिक। समझ में आ गया, क्लियर। आगे चले हम। अब गाइस इंट्रासाइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज के एग्जाम्पल्स ये यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनके एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसका एक निमोनिक है पीएम, प्राइम मिनिस्टर जी मोदी ने, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मोदी जी ने बोलिंग करी। तो पीएम मतलब पी से पाश्चन बॉडीज, एम से मोलस्कन बॉडीज। ठीक है, पीएम जी ने, जी से ग्वेरनियर बॉडीज, बोलिंग मतलब बोलिंगर बॉडीज करी। ठीक है, समझ में आ गया। एन पीएम जी ने, एन से नेगरी बॉडीज। ठीक है, तो गैस जो नेगरी बॉडीज होती हैं, ये जो नेगरी बॉडीज होती हैं ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और ये कौन से वायरस की इंक्लूजन बॉडीज हैं, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस इकट्ठा होके या फिर उनके वायरस पार्टिकल इकट्ठा होके रेबीज वायरस के वो क्या बनाते हैं, नेगरी बॉडीज बनाते हैं। वेरियोला वायरस क्या बनाते हैं, पाश्चन बॉडीज बनाएंगे। वैक्सीनिया वायरस ग्वेरनियर बॉडीज बनाएंगे, एंड फाउल पॉक्स वायरस बोलिंगर बॉडीज बनाएंगे, एंड मोलस्कन कंटेमिनेशन वायरस मोलस्कन बॉडीज बनाएंगे, एंड रियो वायरस पेरिन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज बनाएंगे। तो याद रखना है, ट्रिक मैंने बता दी, पीएम जी ने बोलिंग करी, बोलिंग मतलब बॉल फेंकना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी, जो इंक्लूजन बॉडी न्यूक्लियस में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है काउड्राई टाइप ए, हमने बताया अभी कि ग्रेनुलर होती है। ठीक है, और काउड्राई टाइप बी, ठीक है हमने बताया ये अमोरफस होती है, अमोरफस होती हैं, और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब लिमिटेड होती हैं, घिरी हुई रहती हैं बाउंड्री से। ठीक है, काउड्राई टाइप है ये वेरिएबल इन स्ट्रक्चर साइज शेप में होती हैं। ठीक है, इनका एग्जांपल है टोर्स बॉडी एंड लिपिस्टल बॉडीज, काउड्राई टाइप ए का। काउड्राई टाइप बी का पोलियो वायरस एंड एडिनो वायरस ये इंक्लूजन बॉडी शो करता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब एक कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में भी और न्यूक्लियस के अंदर भी दोनों में इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आउल्स है। आउल्स मतलब उल्लू की तरह आंख होती है, साइटोमेगलो वायरस में हम देख सकते हैं। ठीक, आउल आई अपीयरेंस दिखेगा, आउल आई अपीयरेंस जो उल्लू होता है ना उसकी जो आंख होती है उसकी जैसी इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है साइटोमेगलो वायरस में। ठीक है, मिजल्स वायरस में भी, मिजल्स वायरस भी साइटोप्लाज्म और इंट्रान्यूक्लियर दोनों में क्या बनाता है, इंक्लूजन बॉडीज बनाता है। तो गाइस ये पूरा वीडियो हुआ। अगर आपको नोट्स चाहिए अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी हैंड राइटिंग में, तो अनुराग सैनी एमबीबीएस टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, अगर चैनल अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो पूछे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू गाइज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।